अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं पाकिस्तान आई हूँ और बहुत ही छोटे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पे आई हुई हूँ। तो जी, मेरे मामू के घर शादी है सियालकोट में। उनके घर पहली शादी है, उनकी बेटी की शादी है, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ था। पहले से ही मुझे पता था उनके घर में शादी है, लेकिन इत्तेफाक़ से मेरा पाकिस्तान आने का प्लान भी इन्हीं दिनों बन गया। तो मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिप पे पाकिस्तान आई हूँ। तो आज हम जा रहे हैं सियालकोट मामू के घर शादी पे। तो चलें, मेरे साथ आएँ और इन्जॉय करें। मैं आपके साथ थोड़े से छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर करूँगी शादी के, और मेरे साथ आप इन्जॉय कीजिएगा शादी को, और मैं भी इन्जॉय करूँगी इंशाल्लाह। तो ये हम गुज़र रहे हैं दरियाए चनाब से। हाँ जी, यहाँ पहुँचते साथ ही मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। हम लोग पहुँचे थे शाम 4:30 बजे, और बस आते ही फ़ौरन हम लोग तैयार हुए और हॉल की तरफ आ गए। तो यहाँ पे मेहंदी के कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे अपलोडिंग करना और सारी शेयरिंग करना थोड़ा मुश्किल था। तो होप्सो कि आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। माशाल्लाह, आजकल पाकिस्तान में शादियों का खूब सीज़न गर्मा गर्म है, और लगते हाथों मैंने भी ये शादी अटेंड कर ली। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी शादी रही। यहाँ पे इन्होंने हमें गोलगप्पे सर्व किए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे, और मैंने 4 साल के बाद ये गोलगप्पे खाए और बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद हमने अच्छा सा डिनर किया। डिनर में चने थे, चिकन टिक्का था, फिश थी, और इसके अलावा नान और पूरियां थी, बहुत ही टेस्टी। और यकीन जाने इतना अच्छा लगा, इतने अरसे के बाद शादी पे अटेंड की, और अपने ननिहाल के सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मेरी मुलाकात भी हो गई, और मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही थी, बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, और मैंने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ बच्चों ने एंड पे थोड़े से डांसेस किए और महफिल को लूटा, यूँ कहिए महफिल में जान डाली जी। तो फाइनली आज बारात थी। माशाल्लाह से दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी और दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हमने यहाँ पे लंच किया। लंच में आप देख सकते हैं बहुत ही लजीज खाना था, हमने खूब इंजॉय किया, और फैमिली के साथ एक टेबल पे बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। हमने खूब इंजॉय किया और खूब बातें की, और बहुत ही मज़े से खाना खाया और पुरानी पुरानी बातें शेयर की। फिर जी नेक्स्ट डे था वलीमा, रात का डिनर था, और हम लोग आए सियालकोट ड्रीम वैली में, और बहुत अच्छा इनका अरेंजमेंट था और बड़ा अच्छा इनका सेटअप था, और खाना भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो इन शॉर्ट ये कि मैंने बहुत ही इन्जॉय किया इस शादी पे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी शादी थी, और अल्लाह ताला इस जोड़े को हमेशा खुशाबाद रखे, सलामत रखे। और जिन जिन की शादियां हो रही हैं, अल्लाह पाक उन सब की नसीब अच्छे करे, उन सब की किस्मत अच्छी करे, उनके नसीब अच्छे करे, उनको हमेशा खुश खुर्रम रखे। और जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई, मेरी दुआ है कि उनकी शादियां जल्दी जल्दी हो जाएं, और वो भी इसी तरह अपनी अच्छी ज़िंदगी और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, और यहाँ पे जो वलीमे का डिनर था वो भी बहुत ही ज़्यादा लजीज था। तो अल्लाह पाक सब जोड़ों को सलामत रखे, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।